जैसे जैसे अंत निकट आता जाता है और दुनिया को अंतिम चेतावनी देने का क्रिया बढ़ जाता है, वैसे ही जो लोग वर्तमान सत्य को ग्रहण करते हैं उनके लिए यह बात और भी महत्व रखती है कि वे उनको शक्तियों की प्रकृति और प्रभाव के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, जिनको परमेश्वर ने अपने दूरदर्शिता द्वारा दूसरे दूत के संदेश के क्रिया के संग उसके प्रारंभ ही से संबंधित किया है। प्राचीन काल में परमेश्वर ने मनुष्यों से नबियों और प्रेरितों के मुख से वार्तालाप की। इन दिनों में वह अपनी आत्मा की शक्तियों द्वारा बोलता था। इतिहास में कभी कोई ऐसा समय नहीं आया जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिक उत्साह के साथ आदेश दिए हों, जिससे वह इस समय उन्हें इच्छा और उस मार्ग के प्रति देता है। सेवन डे एडवेंटिस्ट लोगों के बीच में चेतावनी और तड़ना इस उद्देश्य से नहीं दी जाती कि उनके चरित्र नाम मात्र की मंडलियों के मसीहों के जीवन से अधिक दोषपूर्ण है, परंतु इसलिए कि उनके पास एक विशाल ज्योति है और अपने परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोगों का पद धारण किए हुए हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था लिखी हुई है। सबको अपने अपने मनों की और जीवनों की ध्यानपूर्वक छानबीन करनी होगी कि देखें कि उन्होंने भी कोई ऐसे गलती तो नहीं की है। परमेश्वर की इच्छा है कि उन सब से विश्वास को जांचे जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। वह उन सब की प्रार्थनाओं की यथार्थता की जांच करता है जो उत्सुकता से अपने कर्तव्य कर्म को जानने की इच्छा रखते हैं। वह कर्तव्य को स्पष्ट कर देगा। वह सबको पर्याप्त मौका देगा कि वे अपने हृदय के सारे गुणों का विकास करें। जो लोग उसकी व्यवस्था प्लान का इकरार करते हैं उनकी परमेश्वर तड़ना करता है और उनका सुधार करता है। वह उनके पापों की ओर संकेत करता है और उनके पापों को खोल देता है, क्योंकि वह उनमें से समस्त पाप और दुष्टता दूर करना चाहता है ताकि वे उसके भाई में पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर उन्हें गुणवत्ता तड़ना देता और सुधरता है ताकि वे शुद्ध पवित्र समुन्नत और अंत में उसे सिंहासन तक उच्चासीन हों। लोगों को धर्मशास्त्र की ओर संकेत करना। लिखी हुई शख्सियाँ नया प्रकाश देने के लिए नहीं, परंतु पहले से प्रकाशित सत्यों को स्पष्टता से हृदय पर अंकित करने के लिए हैं। मनुष्य का कर्तव्य परमेश्वर की ओर और उसके भाई की ओर क्या है, उसका स्पष्टता से परमेश्वर के वचन में विशेष रूप में वर्णन किया गया है। परंतु तब भी आप में से थोड़े हैं जो दिए गए प्रकाश के पालन करने हरे हैं। अतिरिक्त सत्य उपस्थित नहीं किया गया, परंतु जो प्रमुख सत्य पूर्व दिए गए हैं परमेश्वर ने उन्हें शक्तियों द्वारा सरल कर दिया है और अपने ही चुने हुए तरीके से वह उन्हें लोगों के सामने उनकी हृदय को प्रभावित करने और उनमें जागृति उत्पन्न करने की हेतु लाया, ताकि किसी को बहाने का मौका ना हो। शख्सियाँ परमेश्वर के वचन का मूल्य तुच्छ नहीं करता है, परंतु उसको ऊंचा उठाती है और मनों को उसकी ओर आकर्षित करती हैं, ताकि सत्य की सुंदर सरलता सबों के मन को भावे। बाइबल को रद्द करने के लिए पवित्र आत्मा कभी नहीं दिया गया, ना कभी दिया जा सकता, क्योंकि धर्मशास्त्र स्पष्टता से बोलता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा माप है जिसे सारे सिद्धांतों और अनुभवों की परीक्षा की जाती है। ऐसा घोषणा करता है व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा करें। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी, यशायाह 8:20। इस तरीके से परमेश्वर ने उचित समझा कि वह अपने लोगों के मन को अपने वचन की ओर आकर्षित करने और उनको उसका एक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करें। परमेश्वर का वचन अत्यंत हुमिल हृदय को भी प्रकाशमान करने को पर्याप्त है और उनकी समझ में आ सकता है जिनकी उससे समझने की इच्छा है। परंतु इसके होते हुए भी कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन का दावा करते हैं उनके सरलतम उद्देश्यों को खुला विरोध करते हुए पाए जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्रियां किसी प्रकार का बहाना करें। परमेश्वर स्पष्ट और निर्दिष्ट शख्सियाँ देकर उनको वचन की ओर ले आता है जिन्होंने पालन करने में अवहेलना की थी। परमेश्वर के वचन की सही आदतों के निर्माण के लिए साधारण सिद्धांतों से भरपूर है और सार्वजनिक और व्यक्तिगत शख्सियाँ उनके ध्यान की विशेष कर इन सिद्धांतों की ओर आकर्षित करने के लिए दी गई हैं। परमेश्वर आपको आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम देने को तैयार है, परंतु आप में बहुत कम है जो वास्तव में जानते हैं कि शख्सियों में क्या लिखा है। आपकी धर्मशास्त्र से पूरी पूरी जानकारी नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को इस इच्छा से अध्ययन का विषय बनाते कि बाइबल के स्तर तक आप पहुँच जाए और मसीह की सिद्धता को प्राप्त करें, तो आपको शख्सियों की आवश्यकता न होती, क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेरित पुस्तक से जानकारी प्राप्त करने में अवहेलना की है।
इसलिए उसने यह युक्ति निकाली कि इन साधारण सिद्धि शक्तियों के द्वारा आप तक पहुँचे और आपका ध्यान प्रेरणा की कि उन वचनों की ओर आकर्षित करे जिनको पालन करने में आपने उपेक्षा की है, और आपसे अनुरोध करे कि आप अपने जीवन का निर्माण इन पवित्र सर्वोच्च उपदेशों के अनुकूल करें।